खुला असली माँ का राज। स्टार प्लस के फेमस शो रिश्ता क्या कहलाता में आप देखेंगे आगे कि पी नानू मनीष ने अभीरा को अक्षरा का लहंगा दिया। वेल वो लहंगा जिसे अंशु पहन के बनी थी अभी मनियो की दुल्हन, वो लहंगा पर नानू चाहते हैं कि अभीरा पहने। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे, जहाँ पर वैम्प रूही को पता चलेगा कि मनीष ने किस तरह से अभीरा को अक्षरा मासी का लहंगा दे दिया। वैसे तो वैम्प रूही को ना लहंगे से मतलब है ना ही अक्षु से, लेकिन ये लहंगा दिया गया है सीधे सीधे अभीरा को, तो काफी ज्यादा गुस्सा है यहाँ पर रूही। और आप देखेंगे सीरियल में आगे ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पर गुस्से में आग बबूला रूही ये लहंगा अभीरा से छीन लेगी। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ढेर सारे हंगामे, जहाँ पर हो जाएगी वैम्प रूही गुस्से से आग बबूला। रूही को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि पी नानू पर भी और अभीरा पर भी, ऐसे में यहाँ पर वैम्प रूही छीन लेगी अक्षु का लहंगा अभीरा से और मनीष से भी भिड़ जाएगी वैम्प रूही। अब सीरियल में यहाँ से कौन सा नया मोड़ आता है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखना होगा। वही अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीरा पर बेबी प्लानिंग के लिए दबाव बनाएगा अरमान। ये रिश्ता क्या कहलाता में एक छोटी सी बच्ची की एंट्री हुई है, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान है कि कहाँ से आई और कौन है। बच्ची बोल नहीं सकती है इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस बेबी को देख कर अरमान का दिल पिघल जाता है, वो अभीरा के साथ उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है। दोनों बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अरमान एक पल के लिए भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है और बच्चे को सोता देख जागता रहता है। अरमान बच्चे को लेकर इतना प्रोटेक्टिव हो गया कि अब अभीरा को फ्यूचर की चिंता सताने लगी है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान को उस बेबी से इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा कि वो अभीरा पर शादी के बाद जल्दी फैमिली प्लानिंग करने का दबाव डालेगा। वो सोचने लगते हैं कि अरमान अपने बच्चों का पापा बनने के बाद कैसा होगा। अभीरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर स्ट्रेस में चली जाती है। दादी साह और विद्या अरमान को बेबी के साथ देखकर बेबी प्लानिंग की बात करती है और अरमान भी अभीरा से बेबी प्लानिंग की बात करता है और अभीरा बच्चों को जन्म देने के लिए दबाव महसूस करती है। अब आगे क्या होगा? क्या अभीरा शादी के तुरंत बाद माँ बनने के लिए तैयार हो जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी सीरियल अपडेट जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।